सो हे गाइस, सब सभी का हमारे चैनल में करता हूँ स्वागत। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंडियन बांग्लादेश सर्वर के लिए आज के रात आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सर्ट अब देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को ऑल क्रिमिनल बंडल इंडिया सर्वर में स्पेशली कब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश सर्वर के साथ साथ ऑल सर्वर में हम लोग को टॉप क्रिमिनल ऑल बंडल रिटर्न में देखने को मिला है, परंतु सिर्फ हमारा इंडिया सर्वर में ही भाई ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल रिटर्न में नहीं दिखा है। तो इंडिया सर्वर में ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल कब देखने को मिल जाएगा, एंड भाई स्क्रीन शॉट जो देख पा रहे एक अजीब सा आप लोगों को इंक्यूबेटर देखने को मिला है, तो कौन से सर्वर के ये इंक्यूबेटर है ये भी आप लोगों में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। एंड जिन लोगों ने भाई म्यूजिक आपका प्री एक्सेस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके नहीं देखे हो, तो उस लोगों को भी ये वाला वीडियो भाई फर्स्ट से लास्ट तक देखना होगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो भाई हम लोग देख लेंगे आज रात 12 बजे भाई हमारा इंडिया सर्वर में कौन सा टॉप देखने को मिल जाएगा। तो भाई आज रात 12 बजे आप लोग को आयरिस कैरेक्टर का टॉप देखने को मिल जाएगा। 100 डायमंड में आप लोग आयरिस कैरेक्टर एंड 500 से 300 डायमंड के अंदर आयरिस कैरेक्टर का बंडल भी देखने को मिल जाएगा। परंतु पार्टनर प्रोग्राम के जो यूट्यूबर लोग हैं ना, उन लोगों को भाई लीक्स मिला है, मतलब खबर मिला है कि आप लोग 100 डायमंड के अंदर ही भाई हमारा आयरिस कैरेक्टर प्लस उसका बंडल भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ 500 या 300 डायमंड के अंदर 5th एनिवर्सरी का ही कोई भी आइटम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 5th एनिवर्सरी कौन सा आइटम मिल जाएगा इसका भाई कोई भी लीक्स नहीं है, परंतु मैं एक चीज आप लोग में जरूर भाई लॉजिकली बताना चाहूंगा, आयरिस कैरेक्टर भाई बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है भाई, 5 ग्लोअल के अंदर में आप लोगों को भाई डैमेज दे देगा। मतलब देखिए भाई, अगर ग्लोअल के पीछे आप खड़े हो आयरिस कैरेक्टर गोली चलाएगा तो भाई आपको डैमेज लग जाएगा, तो इतना पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। सोच सकते हो पहले मैं भी सोचा था कि भाई ये वाला कैरेक्टर जरूर से लिया जाए, परंतु सोच के देखिए अभी कुछ दिन पहले होमर एंड केंटा कैरेक्टर भी आया था, एंड अभी भाई इंडिया सर्वर में केंटा कैरेक्टर होमवर्क कैरेक्टर लिमिटेड स्टोर में फ्री में दिया जा रहा है। बांग्लादेश सर्वर में तो नहीं दिया जा रहा है, परंतु क्या बोल सकते हैं कि बांग्लादेश सर्वर में भी फ्री में मिल जाए ये दोनों कैरेक्टर। तो कुछ दिन बाद ही भाई आप लोगों को भाई ये कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा शायद से फ्री में, एंड देखिए इसका पावर इतना ओवर पावर है कि बाद में शायद से इसका पावर भी चेंज हो सकता है। तो लॉजिकली मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला कैरेक्टर की टॉप बिल्कुल ही मत करिए। अगर इसके बाद भी कैरेक्टर टॉपअप करना चाहते हैं तो 75 रुपीज देखिए एसजी गेम सब से आप टॉपअप कर सकते हैं, वहां से आप लोग को 110 डायमंड मिल जाएगा, उसके साथ आप लोग आयरिस कैरेक्टर भी मिल जाएगा। एंड इस बात पर भाई एक लाइक तो, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को लॉजिकली समझने की कोशिश करता हूँ कि फीफा गेम के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस इसका नेक्स्ट भाई हम लोग इंडिया सर्वर में कब भाई आप लोगों को ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल देखने को मिल जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द भाई यूजर की एक ही सवाल है कि हम लोगों को इंडिया सर्वर में भाई ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल कब रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई हमारा बांग्लादेश सर्वर में भी टोकन रॉयल में ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ ऑल सर्वर में भी और टॉप क्रिमिनल ऑल बंडल रिटर्न में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया सर्वर में आप लोग को ऑल टॉप क्रिमिनल बंडल कैसे एंड कब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक सर्वर में तो रिटर्न आ चुका है, तो हम लोगों को सीक्रेट सोर्स यानी कि गैरना इंडिया की जो करीब लोग है करीब लोगों से पता चल रहा है, इंडिया में भाई आप लोगों को ऑल बंडल सेपरेटली अलग अलग भाई एक एक वेब इवेंट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा डायमंड चुतिया होने वाला है। जैसे कि भाई हमारे ग्रीन क्रिमिनल एक अलग सा वेब इवेंट में आया था, ऐसे ही आप लोगों को ऑल जो यहाँ पे क्रिमिनल बंडल देखने को मिल रहा है, एकदम से सिंगल सिंगल वेब इवेंट में आप लोगों को सिंगल सिंगल टॉप क्रिमिनल बंडल रिटर्न आते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग भाई अजीब गरीब सा भाई एक इंक्यूबेटर स्पिन यहाँ पे देख पा रहे, ये हमारा वियतनाम सर्वर का इंक्यूबेटर स्पिन है। यहाँ पे आप लोगों को वियतनाम सर्वर का लैंग्वेज भी देखने को मिला है, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि एकदम ओरिजिनल वीडियो है। तो इसके बढ़ते इंडियन बांग्लादेश सर्वर के भाई मिस्ट्री शॉप की प्री एक्सेस के बारे में, जो आप लोगों को 27 से 28 तारीख के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं ऑलरेडी भाई इसका प्री एक्सेस वीडियो डाल के रखा हूँ, तो भाई देख पा रहे हैं यहाँ पे मिस्ट्री शॉप प्री एक्सेस में आप लोग ये दो मेन बंडल मिलने वाला है। ये दो बंडल भाई 5th एनिवर्सरी का बंडल है, परंतु उतना भी अच्छा एनिमेशन नहीं दिया गया, बस थीम बंडल दिया गया है। परंतु इसके साथ साथ जो मेन अट्रैक्शन रहते वो है हमारे इलाइट पास डिस्काउंट, एंड उसके साथ साथ भाई ईवो गन के बॉक्सेस के ऊपर भी डिस्काउंट, जो आप लोग इस बार एकदम डेफिनेटली 100% भाई आप लोग को इलाइट पास डिस्काउंट एंड ईवो गन के बॉक्सेस भाई कई सारे भाई ईवो गन के बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जो 30 रुपीज का एयर ड्रॉप आ रहा है जरूर से भाई मार के रखिए, क्योंकि आप लोगों को मिस्ट्री शॉप में से बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो गाइस इसके बाद हम लोग और भी कुछ छोटा मोटा अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि बांग्लादेश सर्वर में आप लोगों को टोकन टावर देखने को मिल जाए, जिसमें आप लोगों को 5th एनिवर्सरी का फिस्ट का स्किन एंड 5th एनिवर्सरी मेन मेल बंडल देखने को मिल जाएगा। एंड यही दो ग्रैंड प्राइज जो है आप लोगों को इंडिया सर्वर में सेम डेट यानी कि 21 अगस्त लकड़ॉल में देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस बार बांग्लादेश सर्वर की फिस्ट की स्किन के लिए बहुत सारा डायमंड काटेगी, परंतु इंडिया सर्वर में बहुत ही कम डायमंड है, शायद से भाई फिस्ट का स्किन मिल सकता है। फिस्ट का स्किन भाई बहुत ही अच्छा है, तो इस फिस्ट का स्किन निकलने की कोशिश करना। एंड इसके अलावा भी इस बीच आप लोग को और दो इवेंट देखने को मिल सकता है, जैसे कि भाई आप लोगों को 16 या 18 तारीख को इमूट पार्टी इवेंट देखने को मिल जाएगा। मेरे पुराना वीडियो में मैं बहुत बार भाई इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को ये जो भाई OB30 का स्काई देखने को मिल रहा है, ये OB30 का स्काई आप लोगों को नेक्स्ट फेडरल में देखने को मिल सकता है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है, बाकी जो यूट्यूबर को ऐसा लग रहा है, परंतु मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए भाई हर एक स्काइंग के साथ भाई आप लोग को MVP इमूट्स देखने को मिलता है। एंड ये जो स्काइंग है फास्ट स्लॉट का स्काइंग था, इस वजह से भाई इसमें भाई कोई भी MVP इमूट्स भाई ऐड नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ भाई MVP इमूट्स ऐड किया जाएगा, एंड आफ्टर OB36 अपडेट के बाद ही आप लोगों के ये वाला स्काइंग फेडरल में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं
मेरा प्रेडिक्शन भूल होता है तो आप लोगों को भाई अपडेट से पहले ही भाई ये वाला स्काइंग फेडेड विल में देखने को मिल जाएगा। परंतु भाई आप लोग सोच के देखिए, हर एक स्काइंग के साथ आप लोगों को एमवीपी इमोट्स मिलता है, तो ये वाला स्काइंग बहुत ही ओपी लेवल का है। यानी इसके साथ अगर ओपी लेवल का एक एमवीपी इमोट्स दिया जाता है तो भाई और भी खास होने वाला है। इसको तो भाई आप लोगों को एक आखिरी न्यूज शेयर करना चाहूंगा, जो है हमारा कोबरा एमवीपी कब रिटर्न में आने वाला है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता था आप लोगों को एक स्पेशल लकड़ा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग को ऑल इवोगन देखने को मिल सकता है। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अलग अलग सर्वर में भाई अलग अलग भाई इवोगन सेपरेटली रिटर्न में दिया जा रहा है, परंतु हमारे इंडिया सर्वर में अभी भी कोई भी इवोगन रिटर्न में नहीं आया। वो भी 34 में इवो एक रिटर्न में आया था एंड उसके बाद वो भी 35 अपडेट आ चुका है, तो अभी तक कोई भी इवोगन रिटर्न में नहीं आया। सीक्रेट सोर्स से हम लोगों को जो लीक्स मिले वहाँ पर हम लोग को पता चला है कि आप लोगों को स्कार या भाई आप लोगों को MP40 ही रिटर्न में देखने को मिल जाएगा, एंड जो डेट निकल कर आ रहे हो आप लोग को सितंबर मंथ में 15 तारीख में ही देखने को मिल सकता है। बाकी तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी लीक्स नहीं है जो आप लोग में 100% कन्फर्म करके बोल, जितना भी लीक्स था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। एंड भाई अगर डेट आगे पीछे होता है कोबरा MP14 का तो मैं जरूर से बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोगों को बस एक ही काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा ताकि आप लोगों के पास जल्दी से भाई नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लाइक से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।